ये जी हमारी फ्यूल सेल की लैब है, तो इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं बाद में करवाता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको इसका 3D व्यू दिखा रहा हूँ ताकि आपको, ये हमारे पास ओवन पड़े हुए हैं तीनों, और ये सारे कैबिनेट्स हैं, और ये डाटा एंट्री सारी इधर होती है, और अंदर जो है वो थोड़े से महंगे वाले केमिकल्स पड़े हुए हैं, और ये बेसन वगैरह है, और ये जो है ये है जी वैक्यूम पंप जो मतलब कि फ़िल्टर करता है, ये जो डोमेस्टिक ओवन हैं वो पड़े हैं। तो अब मैं आपको फ्यूल सेल की तरफ जाता हूँ, जो मैं सैंपल बना रहा हूँ वो वाला। अब मैं इसकी तरफ वेट करने की तरफ जा रहा हूँ, डिफरेंट केमिकल मैंने वेट कर ली है, तो इसको मैंने एयर टाइट इधर से कर देता हूँ, लेकिन कोई सैंपल अगर बड़े हो तो उसको इधर से हम रख लेते हैं, ताकि जो बोतल बड़ी है वो रखनी है अगर, तो वो रख सकते हैं, अदरवाइज़ ये जो है एयर टाइट कर देते हैं, ताकि जो है वो इसमें कोई भी चीज़ ना आ सके और हमारी कैलकुलेशन डिस्टर्ब ना हो। ओके, अब इस सैंपल को मैंने, अच्छा अब मैंने सैंपल इसमें डाल दिए थे, तो ये जो है इसमें मतलब कि इसका सलूशन बन गया था, मैंने निकल, कोबाल्ट, एल्युमिनियम, लिथियम ये डाले हैं उनकी रेशो के साथ, और उसके बाद जब मैंने सिट्रिक एसिड डाला, तो ये 2 घंटे की तकरीबन स्टीरिंग के बाद जो है वो इसकी जेल अब बनना शुरू हो गई है। तो ये जो है वो हॉट प्लेट है, और इसके अंदर हमने बाल मैग्नेट एक डाला हुआ है, जो कि नीचे मैग्नेट घूमता है, तो उसकी वजह से ये घूमता है, और साथ में एक हीटर लगा हुआ है, जिससे आप हीट इधर से आप इसकी हीट जो है इस जगह से आप हीट जो है इसकी आप अरेंज कर सकते हैं ज़्यादा या कम, और इस जगह से आप रोटेशन पर मिनट बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। अब मैं इसकी हीट कम कर देता हूँ, क्योंकि इसकी जेल तकरीबन बन गई है, तो स्टीरिंग मैं अब कर रहा हूँ, तो इसके देख रहे हैं आप फ्यूम उड़ रहे हैं, तो ये जो है बेसिकली ये जो है ये है स्टीरिंग, कितनी स्पीड में आपने करनी है, अगर स्पीड बढ़ानी है या कम करनी है, तो ये जो चीज़ है ये हीट को कंट्रोल करती है। तो अगर मैं अपर व्यू आपको दिखाऊँ, तो मैं आपको स्टीरिंग करवा के, तो ज़रा आप बेकर के अंदर भी देखिएगा, और स्टीरिंग को मैं घुमाता हूँ जब, तो वो देखिएगा साथ में। तो ये देखें, मैं अभी ये स्टीरिंग थोड़ी स्लो की, तो ये मैग्नेट जो है वो रुक गया तकरीबन, तो अब ये स्टार्ट हुआ, तो जैसे जैसे मैं इसको बढ़ाता जा रहा हूँ, तो ये स्टीरिंग इसकी ज़्यादा होती जा रही है, तो देख रहे हैं आप फ्यूम भी उतनी तेज़ी से गुजर रहे हैं, निकल रहे हैं बाहर। तो ये अगर आपने जल्दी ट्राई करना हो तो आप स्टीरिंग ज़्यादा कर दें, और हीट जो है वो तो आपकी 100 डिग्री सेल्सियस से बढ़ सकती नहीं जब तक बॉइलिंग पॉइंट होता रह रहा है, मतलब कि बॉइलिंग कोई चीज़ हो रही है तो उसकी हीट जो है वो कांस्टेंट हो जाती है एट बॉइलिंग पॉइंट, मतलब कि ये वो 100 पे ही रहेगी। तो उसके बाद हमने क्या करना है, इस बैटर को अब हमने पैटरी डिश में डाल के, पैटरी डिश होती है वो इस तरह से होगी, जितनी इतना एकदम बेहतर जैसे काटा होगा, उसमें हम डालेंगे, तो उस पर डालने के बाद हम जो है वो ओवन जो दो तीन पड़े हुए थे इनमें रखेंगे। इन ओवन का जो है फंक्शन वो इस तरह से है कि ये डॉक्टर इकबाल साहब का ओवन है, मेरे सुपरवाइज़र हैं, तो ये ओवन होता है अंदर से, तो इस ओवन के अंदर हम पैटरी डिश में डाल के तो इसमें रख देते हैं। तो ये जो है इसके, ये जो है अंदर आप देख रहे हैं बिल्कुल, तो ये थोड़ा सा पुराना है, तो इस वजह से इसके अंदर थोड़े से पार्टिकल गिर सकते हैं, तो अगर पार्टिकल गिरते हैं तो फिर जो है वो मतलब कि इम्प्योरिटीज़ अंदर आ जाएंगी, तो इसलिए मैं इसको जब भी अंदर रखूँगा तो फॉइल पेपर से साथ कवर करके सैंपल को रखूँगा। इधर से आपने हीट जो है वो बढ़ानी है या कम करनी है, तो इधर से आपने सेट करना है ये वाला, और ये आप जो भी हीट लगाएंगे वो इधर आ जाएगी, और इस जगह पे आपका टेम्परेचर जो है वो तकरीबन सेट हो जाएगा, ये सेव हो जाएगा, और इधर से वो मतलब कि खुद ब खुद जैसे ही वो इंक्रीज़ होता जाएगा, तो इस जगह पे जो आपने इधर सेट किया, अगर 120 पे सेट किया, तो ये बढ़ता 120 पे आके रुक जाएगा, तो उसके बाद ये कांस्टेंट हीट आपने अगर 2 घंटे देनी है, 3 घंटे देनी है, जितनी भी देनी है, तो इसके लिए आपने इसको डोर को क्लोज़ करना है सैंपल रखने के बाद, और डोर को क्लोज जो है वो इस तरह से करना है आपने, इस तरह, अदरवाइज़ जो है वो उसकी लीकेज होती रहेगी हीट की, तो वो चीज़ नहीं थी। आफ्टर ओवन वी विल प्लेस द सैंपल इन द फर्नेस, लाइक जैसे कि ये साजिद फराज साहब ने लगाया अपना सैंपल, तो 1850 डिग्री सेल्सियस पे इसने लगाया है,
तो इसको अगर मैं दिखाता हूँ आपको, तो ये भी इसके अंदर भी बड़ी एक साइंस है कि ये ऊपर से एयर है, एयर एग्जास्ट लगा हुआ है जो कि एयर को बाहर निकालता है, और अंदर ये जो सारा है ये ट्यूबलाइट हमारी लगी हुई है ताकि जो भी हम इंपरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं वो लाइट की मौजूदगी में करें। और उसके बाद हम ये जो है इस तरह से आप देखें अगर ज़रा, तो ये जो है एक मिनट ज़रा, ये इस तरह का हाल होगा। तो ये आप देख रहे हैं अगर, तो ये इतनी हीट है अंदर, तो ये मेरा एक मतलब कि आधे मिनट भी नहीं हुआ अभी, तो वो दिखें 25 डिग्री जो है वो बाहर एग्जिट हो गई है। तो ये तकरीबन कॉन्स्टेंट हीट 850 तक ही आपने रखी है, लेकिन मैं ओवर मतलब फर्दर अंदर से दिखाने के पर्पज़ के लिए आपको ये बात की थी। तो इसको आपने बंद कर देना है, क्योंकि इसमें से ये जो सुराख है ना, इनमें से फ्यूम्स निकलेंगे बाहर। ये आप देख रहे हैं इसका जैसे चिमनी नहीं होती, ये जैसे सिलेंसर होता है, तो वो उधर से ये देखें इधर से धुआं निकल रहा है, और इस धुएँ ने निकलते निकलते जो है ना वो आपकी पूरी लैब को गंदा कर देना है। इसलिए ये हमने जो है ना इसको आपको चैम्बर को बंद कर देना है, और चैम्बर को बंद करने के बाद आपने जितना भी टाइम देना है वो दे के, तो इस तरह से वो जो अंदर पड़े हैं वो क्रूसिबल है, और वो तकरीबन 15 डिग्री सेल्सियस तक अपना बर्दाश्त कर सकते हैं, उसे कुछ नहीं होता। तो ये कल हम निकालेंगे, इसे निकाल के फिर इसके बाद हम बाल मिलिंग करेंगे, और बाल मिलिंग के हमने उसे अब पाउडर फॉर्म में लाना है। ये जो भी मटीरियल अब तैयार हो गया, इसे बाल मिलिंग करने से हमें नैनो पार्टिकल्स मिलेंगे, उसके बाद हम पैलेट्स बनाएंगे डिफरेंट कॉम्बिनेशन से, और ये अभी इलेक्ट्रोड या एनोड या कैथोड या कोई भी चीज़ अगर बनाते हैं तो बाद में अगर हम मिक्स करते हैं तो मिक्स आएंगे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर हो जाएंगे, और उसके बाद आप उसे बाल मिलिंग करके नैनो पार्टिकल बना के पैलेट्स बनाएंगे, और पैलेट्स बनाने के बाद आप उसे करेक्टराइजेशन के लिए दे देंगे। ये था फ्यूल सेल का सेक्शन आपका।